चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। स्वागत भी है, धन्यवाद भी है तुहाडा, क्योंकि एक तो बाद एक तुसी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की कवर की है। स्पेशल धन्यवाद है तुहाडा। साथियों, अज एक अहम टिप्पणी और डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिती है चुनिया हुई सरकारां नूं लैके। जिस तरीके नाल अज माणयोग सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ ते स्पष्ट लफ्जां च नॉमीनेटड लोगों की झाड़ पाई है, मैनूं लगता है ये एक डेमोक्रेटिक प्रणाली की लोगों की जित है। पंजाब दे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत सिंह मान जी ने हमेशा ही इस गल ते स्ट्रेस दिता और हमेशा यह गल कही कि जिहड़े इलैक्टेड, क्योंकि इसका स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलैक्टेड लोगों नूं इंपावर करती है। साडे मुल्क दा जिहड़ा संविधान है वो चुने हुए लोगों नूं ताकत दिंदा है। अनफॉर्चुनेटली मोदी साहब की सरकार ने तिखे रूप च जिस तरीके नाल नॉन बीजेपी स्टेट्स च गवर्नरां दे राही ना सिर्फ चुनिया हुई सरकारां दे कम्मां च दखलंदाजी दित्ती, नाल नाल उन्होंने गवर्नर दे ऑफिस की जिहड़ी मर्यादा नूं ढा लाई आ, ये भी इस देश च बहुत ही शर्मनाक स्थिति बनी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हैड दे ऑफिस नूं जिस निचले स्तर तक गिरावट आई है, इहदे च कोई दो राय नहीं है कि गवर्नर इज अ नॉमिनल हैड ऑफ स्टेट एंड विल एक्ट ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिहड़ा फैसला होगा उहदे ते गवर्नर ने एक्ट करना होंदा है। और तमाम जिहड़े साडे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, ईवन साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे रचयित जिन्हां ने लिखिया है, बाबा साहब अंबेडकर साहब ने सब तो पहला यह गल कही सी, मैं पिछली बार कोर्ट भी किया सी उन्होंने कि इलैक्टेड जिहड़ियां सरकारां आ, इलैक्टेड जिहड़े रिप्रजेंटेटिव है, चुने हुए जिहड़े नुमाइंदे आ, देश दा संविधान, देश दे संविधान की जिहड़ी स्पिरिट है उन्हां नूं ताकत दिंदी आ। और एक गल बड़ी अहम मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनां च कही सी कि वी आर द इलैक्टेड नॉट नॉमीनेटेड, और गवर्नर साहब नॉमीनेटेड एंड पोलिटिकली जिस तरीके नाल उन्होंने वार वार इंटरफेयर किया और ना सिर्फ साडे जिहड़े बिल सी ओह डिले होए, आर्थिक तौर पर इकनोमिकली भी पंजाब दे जिहड़े खजाने नूं काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा नुकसान होया, उहदी वजह भी किते ना किते गवर्नर साहब बने। अज सुप्रीम कोर्ट दे चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके नाल किया है, मैं एक लाइन जरूर उन्हां दी पढ़ के जरूर सुनाना चाहूँगा, गवर्नर मस्ट एक्ट ईवन बिफोर द मैटर कम टू द सुप्रीम कोर्ट, दिस नीड टू बी कम ऑन, लास्ट लाइन है, गवर्नर शुड नॉट बी ऑब्लियस टू द फैक्ट दैट दे आर नॉट इलेक्टेड अथॉरिटी। लेकिन इस तो भी वधिया ते अहम टिप्पणी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट ने की आ, वह जो तुषार गुप्ता जी डिफेंड करने वास्ते भाजपा के गवर्नर नूं आए, उन्होंने कहा तुहाडा गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट च, तुहाडा गवर्नर उदों ही एक्ट क्यों करता है जदों सरकार सुप्रीम कोर्ट च पहुँच जाती है। ये एक बार नहीं, दो बार तीन बार हो चुकिया है। पहला तो गवर्नर साहब साढ़े सैशन नूं मन्नण नूं तैयार नहीं होंदे, जिहड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बुलाउंदी है, असी सुप्रीम कोर्ट गए, नाल दी नाल गवर्नर ने अपनी जिहड़ी हामी भरती, फिर असी जदों बिल साढ़े डिले किए जा रहे सी लगातार कई कई महीने, ईवन उहदे च फाइनैंस नाल संबंधित बिल भी सी, कि तीन अहम बिल सी, उहनां नूं रोकिया, असी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट च गए, गवर्नर नाल दी नाल कह दिंदा 30 तरीक नूं साडी जिहड़ी पटीशन लगी सी पंजाब सरकार दी, 29 नूं चिट्ठी आ जांदी, 22 जिहड़े बिल है वह तो मैं पास कर रहा। सो अज सुप्रीम कोर्ट दे चीफ जस्टिस ने इस गल नूं नोटिस किया कि जदों
पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट आ जाती तो ताडे गवर्नर नाल दी नाल बिल जिहड़े आ क्लीयर कर देंदे आ। इहदा की मतलब है, की तमाशा लाया अज जो अज भाजपा द्वारा संचालित गवर्नर ऑफिस नू जिस तरीके नाल झाड़ पई आ, इह देश की डेमोक्रेसी की और संविधान की जित है, लोगों की जित है। एक लाइन लास्ट मैं इहदे च होर जोड़नी आ, जिहड़ियां साडियां अपोजिशन पार्टियां जिहड़ियां पंजाब दियां तमाम विरोधी पार्टियां, चाहे वह अकाली दल बादल होवे, भाजपा दा तो चलो अपने ही गवर्नर है, उन्होंने तो पक्ष पूरना ही पूरना है, तो चाहे प्रताप सिंह भाजपा हो, कांग्रेस होवे, इन्हां ने हमेशा जिस तरीके नाल पंजाब दे लोकां दी पिठ ते छुरा मारिया, गवर्नर दे ओले लोके पंजाबी च मैं दसा, गवर्नर की आड़ लैके ओला लैके पंजाब दे लोकां दी पिठ ते छुरा मारिया, पंजाब दीआं तमाम ता जिहड़ियां अपोजिशन पार्टियां ने उन्हां नूं भी हुण जवाब देना पऊगा, उन्हां नूं पंजाब दे लोकां तों माफ़ी मंगनी पऊगी कि उन्हां दी बदौलत हल्लाशेरी ये गवर्नर नूं दिंदे सी, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਨਾਲ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਵਾਈ, ਚੈਨਲ ਵਾਈ, ਅ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਨਲ।